चलिए आज एक ये पत्थर वाला गेम बचपने में हम लोग खेलते थे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोलते हैं और बहुत साल के बाद आई थिंक जो मुझे याद है 20-25 साल के बाद आज ये कल आज ये पत्थर हाथ में मिला। कल वॉक पे गए थे फिर तो सोचा कि बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं और आउटडोर गेम भी नहीं खेल सकते हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और इनकी छुट्टियाँ भी हैं, तो बच्चों को बिजी रखना और कभी कभी बड़े लोग भी अगर बचपने में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो और हम भी देखें कितना पूर्ण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इतने सालों के बाद, कितना मेरा कंसंट्रेशन है और इससे अपना आप लोग भी सीख लेंगे अगर भूल गए होंगे और मेरा बेटा भी सीख लेगा। तो गर्मियों की छुट्टियों में ये थोड़ा सा समय बिताने के लिए अच्छा है। तो देखिए ये हमारे हाथ में पांच पत्थर हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं क्या क्या स्टेप लेना है। तो पहले स्टेप में तो इसको एक एक करके लेते हैं, क्यों श्रीजान? एक एक को कैच करते हैं, ये वन बाय वन। दो तीन चार, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे में दो दो लेना है और ध्यान रहे कि जब आप एक एक उठाएं या दो दो उठाएं तो पत्थर हिलना नहीं चाहिए। हाँ उसके बगल वाला पत्थर हिलना नहीं चाहिए। तो लग तो रहा है अभी भूले नहीं हैं। ये अभी तीन और एक का करना है। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में आपको चार एक साथ उठाने हैं, थोड़े पत्थर दूर दूर मैंने रख दिया, थोड़ा कठिन लग रहा है, देखते हैं। फिर से करके दिखाइए इसको। फिर से हो गया चार हो गया। पांचवे के लिए उसको ऐसे ऐसे पांच हो गया, पांच स्टेप हो गए। अब छठा के लिए आप इसको चाहे एक एक जितने हाथ में ऊपर आए सबको वो कर लेना है। ये हो गया, इसमें एक एक भी आए पांच बार में तो पांच बार भी कंप्लीट, गिरना नहीं चाहिए आपके ऊपर से एक बार भी। इसको एक बार और दिखा देते हैं, देखिए इस बार चार आए। जैसे गिर जाता है तो आपकी चांस खत्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट को चांस मिलेगा, दूसरे सामने वाले को चांस मिलेगा, दोबारा आपको उसी से स्टार्ट करना है। जैसे आप पिछले स्टेप पे अगर आपका खराब हुआ तो फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है छठवां स्टेप ना, ये पांचवा छठवां सातवां। अच्छा सातवां जैसे मान लीजिए हमारी ये टाइल्स की लाइन है, इसको एक लाइन बना लीजिए आपके हाथ के अनुसार, जितना आपका हाथ जाता हो ऐसे कर लेंगे गुटी है, जितना जिसमें गैप होना चाहिए अच्छा खासा ताकि वन बाय वन सबको अंदर ले सकें। इसको यहाँ पे ऐसे रख लीजिए और एक गुट्टी जो लास्ट में जानी है वो अपोनेंट को आप चूज करेगा कि वो हिले नहीं। वो इसलिए चूज करता है ताकि जानबूझ के ऐसा गुट्टी चूज करेगा ताकि आपका हिल जाए, अंदर डाल जाए तो इसमें दूसरी गुट्टियां और आप आउट हो जाओ। आउट ये वाला पापा ये फिर गलत चूज किया। ठीक है हमें एकदम पास का ऐसा जगह चुनना रहता है जहां से सारी गुट्टी पास करने वाली हो ताकि वो हिलने का चांस ज्यादा रहे, जो ठीक है अपोजिट पार्टी। चलो कोई नहीं, अगर मुझे चूज करना रहता तो उंगली के सबसे पास वाली गुट्टी चूज करती। ठीक है कोई बात नहीं। और ये आपको एक बार में जानी रहती है। अब सारा कैच भी लेना है, सारा एक बार में कैच आना चाहिए। आई थिंक वो छूट गया लेकिन आपका पूरा एक बार में कैच होना कैच चाहिए। ओके नहीं होता है तो फिर सामने वाली की चांस आ जाती है। अब वही सेम स्टेप को ऐसे, अब इसमें ये पूरा जमीन से ये पूरा हाथ ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, गुफा जैसा रहेगा और इसको एक बार में ही लेके जाना रहता है। तो ये मैंने ले लिया क्योंकि ये बाहर थी। ये जैसे दिख रहा है कि लाइन पे, ये लाइन पे टच हो रहा है लेकिन टच नहीं नहीं होना होना चाहिए तब भी। चाहिए और फिर अगेन इसको कैच ले लिया। तो ये हो गया आपका
पाँच छ सात आठ स्टेप हो गए। अब ये नौवा में क्या होता है? अच्छा ये चला गया, इसके बाद तो वो चढ़ाते हैं दूसरे के ऊपर। तो जितने आपके हाथ में आएंगे उतने आपके स्कोर होंगे अपोनेंट के ऊपर। आपके सपोज मेरे हाथ में दो आए, और इसको ऐसे हाथ घुमा के कैच कर लेंगे, घुमा के कहा ये ऐसे घुमा के कैच कर दें, तो आपका ये होगा एक साइकिल पूरा होगा। एक साइकिल में आपने सामने वाले के ऊपर दो स्कोर कर दिए, दो चढ़ा दिए सामने वाले के ऊपर। फिर आपका जब तक आप गिरेगा ना, फिर से आपका सेम ये आपका स्टेप अगेन, जब तक गिरेगा नहीं आप, फिर अगेन वही स्टेप आप किया, एक उठाए। बचपन में हम लोग क्या करते थे, अब मोबाइल तो था नहीं, अब पढ़ाई का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, गांव घर में नहीं खेलते थे, यही खेलते। देखिए अब ये थोड़ी बड़ी गुटियां हैं, छोटी होती तो आम को खेलने का थोड़ी छोटी गुटी ढूंढ के लाएंगे। हाँ थोड़ी छोटी हो तो अच्छा है। ये थोड़ा इसमें हम लोग ज़्यादा फंसते थे, ये क्योंकि ये फंसा के इसको ये स्टेप छोड़ दिया था ना आपने इस बार सिखाने के लिए? नहीं लिया था, सिखाया था। हाँ बताया था कैंची, ठीक है ये। इसके बाद फिर हाँ उसके बाद तो फिर वही बताया था, ठीक है। कैसा लगा आपको ये गेम? एक्साइटमेंट है इस गेम के लिए? बहुत अच्छा है यार ये तो। ट्राई करके देखो आप एक बार। ट्राई करो। ये आसमान में जा रहे हैं, थोड़ा कम ऊपर। बताइए इनके उम्र में तो हम लोग गिरता ही नहीं था। ये भी चीटिंग है, इधर पकड़ रहे हो तो दो हाथ से नहीं पकड़ ना। चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ओके चलिए हम लोग कब फिर कभी कोई दूसरा गेम बताते हैं गर्मी की छुट्टियों में, जो आप और आपके बच्चे साथ में मिलके बैठ के खेल सके और मोबाइल स्क्रीन से दूर रहें। बाय बाय।